तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए 400 से भी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, यहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकाली गई हैं इनमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा इनकी सैलरी क्या मिलेगी, एज लिमिट क्या रखी गई है, फिजिकल टेस्ट में क्या मांगा गया है, इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है और इनकी सिलेक्शन क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और दोस्तों इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 451 पोस्ट हैं। वहीं पर कॉन्स्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के लिए 183 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। वहीं पर कॉन्स्टेबल यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 268 पोस्ट निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया 451 पोस्ट देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो पहले भी बताया था आपको मैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। चूंकि यह ड्राइवर पद के लिए निकली है तो यहाँ तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। जहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मांगा गया है, लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर के साथ होना चाहिए। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष हो चुकी हो और 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होते हैं उनको आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप इनकी नोटिफिकेशन का चेकआउट करके कर सकते हैं। जैसे कि SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट बात करें इनके इम्पोर्टेंस डेट की, यानी कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आपको समय रहते 22 जनवरी 2023 तक आवेदन कर लेना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा, हो सकता है कि सर्वर डाउन हो या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, चाहे पोर्टल स्लो चलने लगे, तो आप जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अब इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें कितना फीस पेमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए जो अनारक्षित EWS OBC के कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना है। वहीं पर अगर SC ST और ESM के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1 रुपये भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। चलिए इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो फोटो और साइन तो कंपलसरी लगेगा ही, जिसमें लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास 8वीं 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जाति निवास होना चाहिए, आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर होना चाहिए, बाकी और भी आईडी कार्ड लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना चाहिए। आवेदन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट ऑप्शन आएगा, उसमें जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। वहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वहाँ पर अपलोड करने के बाद सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। लास्ट में फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट रख लेना है, जो भविष्य में आपके लिए काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाएगी, के बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम ली जाएगी, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इनके सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रखा गया है। चलिए एक नज़र इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो जनरल SC और OBC के कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा ST कैटेगरी के कैंडिडेट का 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जनरल SC और OBC के कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसे फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। वहीं पर ST कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर रखा गया है और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।